सीकर जिले के बेरी गांव में और बेरी पशु मेले का आज अंतिम दिन है। आप देखेंगे कुछ देर बाद में ही यहां पे दौड़ प्रतियोगिता है, उसकी शुरुआत होने वाली है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज समापन है मेले का, अभी क्या प्रोग्राम? मेले के समापन पे आज बच्चे और ये बच्चियों की दौड़ का प्रोग्राम रखा गया है। 13 से 15 वर्ष की आयु रखी गई है, जिसमें 300 मीटर की दौड़ है, उसमें प्रथम द्वितीय और तृतीय को इनाम दिया जाएगा, नगद और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। कितने दिन तक मेला चला आपके? मेला 8 दिन का मेला चला है और आज समापन का प्रोग्राम है। ऊँट का नृत्य होगा, ऊँटों की प्रतियोगिता में फर्स्ट सेकंड कौन आएगा उसको इनाम दी जाएगी और आज फिर रात्रि को सांस्कृतिक प्रोग्राम होगा। आज पशुपालक अपने गांव जाएंगे, क्या बेरी गांव को याद करेंगे? बिल्कुल, हम तो ये सोच रहे हैं कि बेरी गांव में सबसे सीकर जिले का बड़ा मेला, राजस्थान का बड़ा मेला भरे और लोग इसको याद रखे। पहले बदराणा में भरता था, बदराणा में बंद हो गया था, उसके बाद में बेरी में चालू हो गया और बेरी का मेला इतना मशहूर मेला हो कि यहाँ पर दूसरे स्टेट के लोग भी अपने पशु लेकर के आए। अभी आप देखेंगे कुछ देर में ही यहाँ पे बालक और बालिकाओं की दौड़ है, उसकी तैयारियां की जा रही है। आप देखेंगे काफी संख्या में दर्शक यहाँ पे पहुंचे हैं और 7 दिन तक चला है। 7 दिवसीय बेरी मेले में अलग अलग हर दिन सांस्कृतिक प्रोग्रामों का आयोजन यहाँ पे होता है। नमस्कार जी। कौन से जगह से आए? सीकर से आ रहे हैं। सीकर से आए हो? आज ही आए हो क्या? आज ही आए। कैसा लगा यहाँ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लोगों में जोश है, बहुत अच्छा लगा है। राजस्थान का जहाज ऊंट कहीं ना कहीं यहाँ तो खूब सारे देखने को मिल रहे हैं और एक ही जगह किसानी से संबंधित सभी प्रकार के सामान मिल जाते हैं। बहुत अच्छा मौका है लोगों को यहाँ आके सब चीज देखने का और ऐसा उत्साह है, इसको प्रोत्साहित करना चाहिए और भी गवर्नमेंट को भी सहयोग करना चाहिए लोगों का और बढ़िया से इसको अरेंज करना चाहिए। बेरी गांव को याद करेंगे लोग? बिल्कुल, पहले ये जो मेला था बदराणा में भरा रहता था लेकिन वहाँ कुछ प्रॉब्लम के कारण से यहाँ हुआ है तो बदराणा का नाम भूल जाएंगे लोग, एकदम बेरी हो जाएगा। द्वारा 13 वर्षीय 15 वर्ष की बालिकाओं की दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें 300 मीटर की दौड़ में प्रथम रंजना, द्वितीय सरोज और तृतीय अर्पिता आई है। इनको नगद पुरस्कार और मेला कमेटी की तरफ से प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। अच्छा, और बच्चा कौन कौन सा आया भाई भी बता दे। तो 300 मीटर की दौड़ में आज 13 से 15 वर्ष की आयु के बीच के 13 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे अजय सिंह फर्स्ट, आर्यन सेकंड और रविंदर थर्ड आए, इनको भी प्रशस्ति पत्र और नगद इनाम ग्राम पंचायत के द्वारा दिया जाएगा। आप बैरिकेड्स के बाहर बैठ गए, बैरिकेड्स एक होना चाहिए तो बैठाएंगे आप, एक होना चाहिए।
ये पशु मेले का आज अंतिम दिन है। अभी आप देखेंगे कुछ देर बाद में ही अड़ताल सिंह दिखाए। नमस्कार जी, कौन सी जगह से? थोरासी रघुवीर सिंह चौहान है। कितने दिन हो गए? भवानी सिंह बोल रहा हूं। अभी क्या प्रोग्राम है? अभी सुंदरता का प्रोग्राम है, छटनी होगी। कौन एक नंबर है, कौन दो नंबर है? जो बढ़िया सजाया गया है। हाँ, बढ़िया सजा गया, बढ़िया मुंडा है, बढ़िया पीठ गाट है। हेलो, नृत्य भी होगा क्या? हाँ, नृत्य भी होगा। कितने के दौड़ प्रतियोगिता के नमस्कार। अभी क्या आयोजन है? आयोजन नस्ल से कोशिश आदमी में। अच्छा, हाँ, कई प्रकार की नस्ल आऊंगे? अजी नस्ल घनी प्रकार की हुए हैं आजकल, साग ही कोनी बोली वाला की बताओ। दो चार आज के कहे जी, यहाँ के बालाजी ग्रुप वो बलानी दुकान बालाजी मिठान भंडार है जी। यहाँ पे भी है आंका भी, लेकिन आगे नस्ल जानकारी नहीं सका। मतलब यहाँ की नस्ल तो भाई पुरानी, लेकिन भाई नाम अनेक वाला का। अच्छा, कई प्रकार का नाम? हाँ, श्रृंगार वाला कोनी हो तो बावर सिंह जी, सीताराम सिंह जी से भी मैं निवेदन करूंगा मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हाँ, लो तो तैयार करी गाड़ी, चाहे ओडी रही चाहे फॉर्चूनर रही, क्यों आगे ही मिलूंगा। लेकिन किसान भाई सो मेरी विनती है कि एक ऊंट कोशिश कर जाओ। बालाजी टेंट हाउस के श्री कुमाराम जी गुर्जर से भी मैं निवेदन करूंगा मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। एक पेड़ क्यों पेड़ अपना सगला से ले गई महाराज श्री आनंद नाथ जी का आदेश है कि शिशुपाल जी फौजी अति शीघ्र अपनी बात को पूरा करें। भाई सब एक बात बताओ, इतने दिन से थे हुए है, जाओ रात की नींद भी निकालो, दिन की भी निकालो, फिर भी तंदुरुस्ती तो रात को बताओ। साहब एक बार बाणी विराम के साथ थोड़ी देर बाद बताऊंगा, एक स्टेज को मंच पर अपना कानून को लेकर कर कर सकते हैं। पूरे शिद्दत के साथ सादर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बद्राना पशु आंदोलन के, अगर मैं कहूं फाउंडर श्री राजेश जी पूनिया। राजेश जी पूनिया से निवेदन है मंच पर पधारे, जोरदार तालियों से राजेश जी पूनिया का स्वागत करें। श्री राजेश जी पूनिया की नगद राशि, फांडन बिल्डर्स के श्री मदन सिंह जी फांडन और ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि श्री सुखराम जी सारसर, दोनों की तरफ से 161,000 रुपए की नगद राशि पुरस्कार विजेताओं को दी जाएगी। एक बार दोनों हमारे भामाशाहों का करता ध्वनि से स्वागत करें। 161,000 रुपए की नगद राशि विजेताओं को आज ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि श्री सुखराम जी सारसर और प्रतिष्ठित उद्योगपति फांडन बिल्डर्स के श्री मदन सिंह जी फांडन की तरफ से दी जाएगी।